हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे मूंगफली गुड़ की चिक्की। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये हमने 300 ग्राम मूंगफली के दाने रोस्ट करे हैं और इसको साफ कर लिया है रोस्ट करके, और गुड़ लिया है 300 ग्राम, और 2 से 3 चम्मच घी लिया है, पानी लिया है आधा कप पानी लिया है एक बाउल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये गुड़ की चाशनी बनाएंगे, तो चलिए चलते हैं गैस के पास। तो चलिए गैस जला दी हमने, और इसमें सबसे पहले 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें ये गुड़ डालेंगे। इसको मेल्ट करेंगे। इसको धीमे धीमे मीडियम गैस पे ही इसको हमें गुड़ को मेल्ट करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो गई है गुड़, और इसको घी डालने इससे लगता नहीं है नीचे, तो इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। झाग बनने वाली चाशनी हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर हम ये मूंगफली के दाने डालेंगे। सबसे पहले इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें झाग भी बनने लगे हैं, तो इसको हम एक बार चेक करेंगे। ये हमने पानी लिया है और इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें कड़क की आवाज़ आ रही है कि नहीं। ये खिंच तो नहीं रही है गुड़, तो अभी ये खिंच रही है, अभी ये तैयार नहीं हुई है। इसको अभी हम और पकाएंगे थोड़ा। देखिए अब ये तैयार हो गई है, और एक बार इसको और चेक करते हैं इसमें पानी में डाल के। जब तक ये टूटती नहीं है चाशनी में, तब तक इसको हमें पकाते ही रहना है। देखिए आवाज़ आने लगी है, टूटने की आवाज़ आ रही है, देखना ये आवाज़ आ गई। तो अब इसको हम ये ज़्यादा नहीं पकानी है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। इसमें हम मूंगफली के दाने डाल देते हैं और इसको हम चलाएंगे। और हमने एक बोर्ड पे घी लगा लिया है, उसमें हम डाल देंगे, गैस को बंद कर देंगे। देखिए अच्छे से ये मिल गई है। अब ये बोर्ड पे हम ग्रीस कर लेंगे घी से, और बेलन में भी घी लगा लेंगे। ये लगा लिया है इसमें हमने, पहले से ही लगा रखा था। तो इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा घी और लगा देंगे। बेलन में भी लगाते रहेंगे बीच बीच में हम, और इसको हम इस पर डाल लेंगे। इसको जमाएंगे इसके ऊपर। ये बहुत जल्दी जल्दी हमें करना होता है, नहीं तो ये सेट हो जाएगा। ये गर्म होती है इसलिए हमें थोड़ा आराम आराम से ही करना है कि हाथ ना चल जाए। और ये चिक्की हम इस पर बेल लेंगे। आप जितना चाहे पतली रख सकते हो। देखिए कितनी अच्छी ये चिक्की बन गई है। ये हमने इस पर फैला दी है। अब इसको थोड़ा सा गरम गरम में ही हमें इसमें निशान लगाने हैं, नहीं तो कड़क होने के बाद में फिर ये निशान लगाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप जो साइज के आप चाहें पीसेस काट सकते हैं। इसमें निशान लगा देंगे हम इसमें। इसे अपने हिसाब से ही काट लेंगे आप। पहले निशान लगा के छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही अलग अलग हो जाती है। सर्दियों के मौसम में चिक्की बहुत अच्छी लगती है। देखिए सारे हमने पीसेस काट लिए हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में इसको अलग अलग पीस कर लेंगे। बोलिए ये गुड़ की चिक्की तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी हुई है, और ये बहुत ही कड़क है। ये देखना इस तरह से टूट रही है ये
बहुत ही कड़क क्रिस्पी बनी हुई है, तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर सभी को टेस्ट कराएं। बहुत आसानी से बन जाती है ये। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।